चल के तुम लोग को पता करो, खाना भी ना खाना मुझे देखो। अभी क्या भूख भी लगा नहीं आप लोगों को? क्या लगा नहीं है? फोन चार्ज करना है अभी, इसके लिए मैं पावर बैंक लेके आया था यार, चार्जिंग नहीं है। पावर बैंक में चार्जिंग है, इसको चार्ज होने के लिए तो टाइम चाहिए ना, मोबाइल में भी चार्ज होने के लिए टाइम लगता है। अभी वो अजय और अमित कहाँ पर है अभी वो भी पता नहीं, वो लोग फोन कर रहे होंगे, फोन में नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू है गाइस, तो बिल्कुल भी किसी से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहे टाइम पे। बहुत ही ऊपर जगह ढूंढा है तो हम लोग को बहुत नीचे से, पूरा नीचे से ऊपर आना पड़ता है। तो आ गए मेरी मम्मी फाइनली अपनी जगह पे पूजा करने, और अभी रात भर हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं, और यहाँ का आपको मैं पूरा माहौल दिखाऊंगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे पूरी नाइट। गाइस मेरे भाई लोग अभी आए थे और अभी जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा धोखा दिया गया आपको, आगे के ब्लॉग में दिख जाएगा कितना बड़ा धोखे मांगे। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये लोग को ना थोड़ा सा मैप नॉलेज नहीं है, लोग के पास ज्ञान किसी भी तरह का, पढ़े लिखे अनपढ़ गवा रहे। देखो देखो ये शकल, देखो ये वाले इसका शकल देख लो भाई, कुछ आता जाता नहीं है उसको। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे छठ पूजा के ब्लॉग के पार्ट टू में। तो अभी हम लोग आए हैं अपने छठ पूजा के स्थल से थोड़ा दूर आए हैं, और अभी हम लोग जाएंगे घर पे। यहाँ पे हम लोग आए थे कुछ खाने पीने के लिए, थोड़ा बहुत सूट दिए हैं, पुलाव खाए और क्या खाए, वड़ा पाव खाए, जिससे थोड़ा सा पेट की भूख मिट गई है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे, और दिखाता हूँ यहाँ पे रात के बज रहे कितने मालूम है, कितने बज रहे। चल झूठा अरुण भाई, तुम ये क्या उड़ा रहे, उड़ाओ जरा देखो कैसे उड़ाते हो, देखो बस हो गया छोटे। रात को भी कोई सोया नहीं है यहाँ पे, मजे कर रहे हैं क्योंकि आज है छठ पूजा। इतना क्रेज आपने कभी किसी और फेस्टिवल में देखा है क्या लोगों के अंदर? ये यूपी, अबे सालो ये यूपी बिहार वालों का छठ पूजा के लिए क्रेज है गाइस। हेलो गाइस, बीच में ना बोल। ए भाई क्या उड़ाया, कोई ऊपर नहीं गया, कुछ ऊपर नहीं गया। पब्लिक रात भर मजे काटने वाली है यहाँ पे, और हम लोग भी मजे काटेंगे। तो गाइस यहाँ पे शायद निरहुआ आया था, कहाँ है बे? यहाँ पे शायद निरहुआ आया था, और यार नहीं भी आया था, हम लोग देखे तो नहीं, लेकिन आया था कि नहीं आया था? नहीं आया था। तो गाइस जैसे कि हम सबको जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, यहाँ पे निरहुआ का बैनर तो लगा लेकिन आया नहीं था। यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं भैया के कार के ऊपर, जो कि दिखने में ओरिजिनल कार की तरह है वो। क्या हुआ, फोटो खींचने का भाव उसके साथ, गोल्डन मैन के साथ? मेरे साथ क्या दिक्कत है? अरे भाई आप तो भाजू मेरे, तो आपके साथ डेली खींच सकते हैं। अच्छा, इसके पहले इतना रात तक कभी जगा है तो? हाँ भाई मैं तो जगा हूँ भाई। अच्छा, 2:35 हो रहे और लोग यहाँ पे रोड पे टहल रहे हैं, क्योंकि समुंदर के अंदर इतना पानी भर गया है, पानी काफ़ी ऊपर तक आ गया, तो लोग सब लोग सड़क के साइड में आ रहे और देख रहे हो कि लोग मजे ही कर रहे हैं, गला भी बैठ गए, पब्लिक भी बैठी इधर पे। यहाँ पे बस डिपो पे भी लोग आके बैठे हुए, बीच भर गया है, इतनी पब्लिक है यहाँ पे। अरे भाई हम लोग खुद भटकते फिर रहे, तो हम लोग खुद भटक रहे भाई, सच में खुद भटक रहे। एक अच्छा प्रॉपर प्लेस नहीं मिल रहा है जहाँ पे हम लोग शांति से बैठ। चलो बस स्टॉप पे रुक। ये बस स्टॉप का नाम क्या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जुहू चौपाटी बस स्टॉप है। हाँ, ये जुहू चौपाटी बस स्टॉप पे हम लोग अभी बैठे हुए हैं, और
रात के बज रहे हैं 2:43 हो रहे हैं, 44 हो गया भाई साहब बता रहे, 44 हो गया। और क्या बोल रहा था, तो रात ज़्यादा हो गया है, लोग जगे हुए हैं, लोग खचाखच वैसे ही भरे हैं, लेकिन क्या है ना कि समुंदर का पानी ऊपर बहुत ही बढ़ रहा है, तो लोग सब ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। और हम लोग ने पहले से ही एक बार, मतलब हम लोग पहले आ चुके हैं जूहू चौपाटी, तो हमारे माइंड में भी ये था कि समुंदर के किनारे रहेंगे तो रात को पानी भरता है तो वापस आना पड़ता है। इसके लिए हम लोग किसी भी तरह से प्लान कर रहे थे कि हम लोग ऊपर के साइड में ही अपना पूजा स्थल का जगह बनाएं, और ऊपर का साइड में बनाए हैं, और तो थोड़ा शांति से हम लोग के पेरेंट्स अभी हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ दिक्कत है, तो अभी कोई बात नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ दिक्कत है। अभी रात के सचमुच में 3 बज रहे गाइस, और नींद आ रहा था, इसके लिए कॉफ़ी लिया, कॉफ़ी वाला अभी आया था यहाँ पे, 2 जन वहाँ बैठ के पी रहे और मैं यहाँ खड़े होकर पी रहा हूँ। गले में आवाज़ बैठ गया है नींद की वजह से, आप मेरी आंखों में देख सकते हो, आपके लिए प्यार, सॉरी नींद। तो गाइस अभी मम्मी यहाँ पे रुकने वाली है थोड़ा टाइम के लिए, हर घर जब तक सूरज डूब नहीं जाता तब तक मम्मी यहाँ पे रुकने वाली है, है ना, फिलहाल में आएगा तुम्हें आने वाली है, देखो जब तक सूरज नहीं उगया तब तक मेरी मम्मी, सभी लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पे रुके रहेंगे और सूरज के उगने का इंतजार करेंगे। अभी मेरे भाई लोग आ रहे हैं धूप लेके अर्घा देने के लिए, ये देखो भाई एक चोर आ गया, खाली बॉटल आया है, एक दूसरा चोर आया, तो गाइस हम लोग जा रहे हैं नहाने, छोटा छोटा चड्डी पहन के अंदर बच्चा, खाली हो जाएगा पीछे चलो, चलो ना पीछे, अरे आ गई ना, आ गया वो, आ जाओ बाबा।
तो गाइस आप लोग को दिख रहा है अभी सूरज उग गया है, सूरज निकल गया है, अभी साफ साफ दिख नहीं रहा है मगर दिन हो गया है पूरी तरह। तो अभी सब लोग निकलेंगे अपने अपने घर को। मेरी मम्मी का भी पूजा हो गया और मेरे साथ में आई हुई आंटी का भी, दोनों जाना भी अभी जाएंगे घर पे। मेरे भाई लोग अंदर आगे नहा रहे, तो चलो आप लोग को मैं उनका भी थोड़ा वीडियो दिखा देता हूँ। बाप रे इतना पानी आ रहा है गाइस, ये देखो ये लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। ये बड़ा वाला था गाइस, मैं कितना भी ट्राई किया नहीं बच पाया, भीग गया। सब लोग नहा नहा के फुल मजे ले रहे। तो गाइस देखो यहाँ पे कितने मजे कर रही है पब्लिक। जुहू चौपाटी भरा हुआ है ये। तो देखो अभी मुझे नहाना नहीं है, कपड़े नहीं डाले अच्छा, लेकिन मेरे को भी नहाने का बहुत मन है यार। तो नहाओ ना, नहाओ ना। ये देखो सूरज की लालिमा चारों तरफ निकल गई है, और सूरज निकल गया बस इसके बाद तो काम हो जाता है। चक्का लग गया भाई, जल गया भाई। मम्मी ये लोग चिल्ला रहे वापस जाने के लिए, लेकिन ये लोग इतना मजा आ रहा है, लोग वापस जाने का नाम नहीं ले रहे। क्या छोटे तेरे को मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। पानी कैसा है? पानी ठंडा, मस्त मजा आ रहा है। तेरे को तो अभी तो ठंडी लग रहा था ना? नहीं लग रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने पूजा स्थल पे। सब लोग निकल लिए अपना अपना टोकरी उठा के अपने अपने घर पे। बिना ना है मैं भीग गया हूँ पूरा। तो गाइस अभी सब लोग पैकअप करके निकल रहे हैं, पूजा हो गया ख़त्म, रात भर रुके बहुत मजा आया। ए कुत्ता वाले, ए कुत्ता, बार 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 जाओ, चला हम आओ। ये देखो भाई सब लोग अपना अपना फल पूजा का सामान और गन्ना लेके अपने अपने घर पे आ रहे हैं। पूजा खत्म। ये देखो एबीपी न्यूज़ का एंकर पोज दे रहा है वहाँ पे, हाथ में माइक ले लो भाई। सभी हो गया मैदान सफा। पहले कितने लोग यहाँ पे आसपास में चारों तरफ भरे हुए थे, यहाँ पे कहीं देखने के लिए जगह नहीं था, और अभी यहाँ पे धीरे धीरे मैदान खाली हो रहा है। फिर भी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके एक घंटे के अंदर ये पूरा बीच खाली हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दो घंटा लगेगा। तो अभी हम सब लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं अपने अपने घर। पूरा हो गया हमारा छठ पूजा का यहाँ का सफ़र। देखते आगे जाके डिसाइड करते हैं किससे जाने वाले हैं घर पे। सब लोग यहाँ पे टेम्पो रिक्शा सब की बात है, 203 तक जाएगी कांदी वाली, वहाँ से हम लोग ऑटो रिक्शा पकड़ के पैदल वैदल कैसे भी जा सकते हैं। चल छोड़, अभी हम लोग जाते हैं 203 बस का वेट करते हैं। ये देखो एबीपी न्यूज़ के, जी न्यूज़ के सब एंकर लोग इधर पे, मीडिया वाले आके पूरा इकट्ठा हुए। और कैसा था छठ पूजा यहाँ पे? हाँ एकदम मस्त था, बहुत मज़ा आया गाइस। रात भर कोई सोया नहीं सब, लेकिन अभी मज़ा नहीं आ रहा है घर पे रख के।
बैठ गए हैं बस के अंदर और अभी निकल रहे हैं अपने घर के लिए। तो आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, छठी मैया की जय। तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा? बहुत मज़ा आया दोस्तों, यहाँ पे छठ पूजा मना के हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। हालांकि मैं नहाया नहीं, नहा के जो इन्जॉय करना था वो बाकी रह गया। बाकी जितने भी हैं सब ने बहुत नहाया, बहुत मज़ा किया। कैसा लगा? मज़ा आया, बस यहाँ पे अच्छे से नहाने मिला। अच्छे से क्या नहाने मिला? ज़्यादा टाइम नहीं मिला भाई हम लोग को, ज़्यादा टाइम भाई जितना टाइम देते हैं लोगों नहाने के लिए उतना टाइम कम था। घर पे भी जाना था, पूरी रात जागे। तो नींद से ज़्यादा हम पानी के अंदर नहीं गए थे, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं गए थे, ऐसा कहना है उसका। तो सब लोग अभी जा रहे हैं अपने अपने घर पे और हम लोग भी जा रहे हैं अपने अपने घर पे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय। लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर भी करते जाओ। हाँ, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको।